भाइयों और बहनों, एक और बहुत बड़ा संकल्प हमने लिया है जिसका सबसे अधिक लाभ राजस्थान को होने वाला है, मेवाड़ को होने वाला है। बीते 5 वर्ष में जिस तरह हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिन रात काम किया है, आने वाले 5 वर्षों में हम पानी के लिए वैसा ही काम करने चाहते हैं। और पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय हम बनाएंगे। आधुनिक तकनीक से देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तकनीक के द्वारा कैसे पहुंचाया जा सकता है, समंदर के पानी को मीठा करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारी बातों पर हम काम करने वाले हैं। वरना पानी को लेकर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है आप भी जानते हैं। साथियों, कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। अब इतने वर्षों बाद भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकने के लिए एक बांध परियोजना पर काम शुरू करवाया है। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस मजबूत होते ही सबसे पहला काम इस बांध परियोजना को रुकवाने का ना कर ले, जरा जागते रहना। वरना उन्होंने यही किया है, यही उनके काम करने का तरीका है।